दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जब आप 500 रुपए के नोट पर नजर डालेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और उसके साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर भी होते हैं। और ये केवल 500 रुपए के नोट पर ही नहीं बल्कि भारत के हर नोट पर कुछ ऐसा ही लिखा होता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा इसका मतलब क्या है भाई, और क्यों भारत के हर नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं? या फिर कभी आपने सोचा कि आरबीआई जितना चाहे उतना नोट क्यों नहीं छाप देता? और आपने ये तो जरूर सोचा होगा आरबीआई के पास सोने का कितना अंबार है। और कई लोग ये खबरें भी पढ़ते होंगे कि आरबीआई ने इतने हजार करोड़ भारत सरकार को दिए। ये सब होता कैसे है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग किस तरह की जाती है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको सब बताऊंगा। बस मेरे साथ वीडियो में बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। अगर नोटों की छपाई के बारे में बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को बैंक नोट इशू करने की ताकत दी गई है, और आरबीआई की जो इकाई ये काम करती है उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। आरबीआई ज्यादा से ज्यादा 10,000 का नोट छाप सकती है। अगर आरबीआई को इससे बड़ा नोट छापना हो तो आरबीआई एक्ट 1934 में बदलाव करना है। इन नोटों को छापने के लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जो नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में। रही बात नोटों की छपाई की तो आरबीआई शुरुआत में ही प्रिंटिंग प्रेस को एक शेड्यूल दे देता है जिसमें बताया जाता है कि उन्हें कब कब और कितने नोट छापने हैं। और इसके लिए आरबीआई पहले से ही डेटा तैयार रखता है जो आरबीआई के 19 रीजनल ऑफिस से मिले डेटा से तैयार होता है। इसके बाद आरबीआई स्टैटिकली एनालिसिस का सहारा भी लेता है, यानी कि आरबीआई पहले से ये गणना कर लेता है कि कितने नोट सर्कुलेशन में, कितने नोट पिछले साल नष्ट कर दिए गए, कितने नोट नए छापे जाने हैं और कितने खराब नोटों को इस बार बदला जाना है। इन सब की गणना करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री को कॉइंस एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करता है, तब जाकर ये फैसला लिया जाता है कि इस साल कितने नोट छापे जाने हैं। अब सिक्कों की बात कर लेते हैं, क्योंकि कॉइनेज एक्ट 1906 के तहत सिक्कों की ढलाई का काम भारत सरकार के हाथों में होता है। सिक्कों की ढलाई पूरे भारत में 4 जगहों पर की जाती है, अलीपुर, सैफाबाद, चेरालापल्ली और नोएडा में। इस एक्ट के मुताबिक भारत सरकार 1000 तक का कॉइन इशू कर सकती है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा कॉइन 20 रुपए का है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब आरबीआई और भारत की सरकार जितना चाहे उतना नोट छाप सकती है तो क्यों ये लोग खूब सारे नोट नहीं छापते भाई? तो दोस्तों इसके लिए आपको ये समझना होगा कि जो नोट आपके हाथ में वो महज एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन जैसे आरबीआई गवर्नर उस पर सिग्नेचर कर देता है उस कागज के टुकड़े की कीमत हो जाती है, और उसी के साथ वो कागज का टुकड़ा आरबीआई के लिए लायबिलिटी बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आरबीआई के पास ऐसा क्या है जिसके बदले आरबीआई गवर्नर नोट पर धारक को वादा करता है? तो दोस्तों इसका जवाब कीमती धातु सोना और भारतीय रिजर्व बैंक का फॉरेन रिजर्व, यानी साफ शब्दों में कहे तो आरबीआई के पास जितना सोना और जितना फॉरेन रिजर्व है उतने नोट आरबीआई इशू कर सकता है। और अगर आरबीआई ने इससे ज्यादा करेंसी छापनी शुरू कर दी तो उसकी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी, यानी आरबीआई की करेंसी को अगर एसेट से टोल कर नहीं रखा गया तो भारत की करेंसी का हाल बेहाल हो जाएगा। वैसे क्या आप जानते हैं भारतीय करेंसी में एक नोट ऐसा भी है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं होते और ना ही उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है? दोस्तों ये नोट है 1 रुपए का नोट जिस पर आरबीआई की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि इस नोट को छापने का अधिकार भारत सरकार के पास होता है। नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1 रुपए का नोट अकेला ऐसा कागज का नोट है जिसे लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट समझा जाता है, क्योंकि इसे 1 रुपए का सिक्का ही माना जाता है। यही वजह है कि इस नोट पर प्रॉमिस नहीं किया जाता।
अगर हम भारत के पास मौजूद सोने की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी की गई जानकारी के मुताबिक गोल्ड रिजर्व के मामले में भारत 9वें नंबर पर आता है। भारत के पास 754 टन सोना है। भारत अपने इस सोने को देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी रखता है। भारत की नागपुर ब्रांच खजाने का काम करती है क्योंकि आरबीआई का ज्यादातर खजाना इसी ब्रांच में रखा गया है। और अगर विदेश की बात की जाए तो आरबीआई का कुल गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी पड़ा है। जैसा ही आप समझ गए होंगे, आरबीआई रुपए की वैल्यू को क्रिएट करने के लिए उतने नोट छापता है जितना कि उसके पास पूंजी है। लेकिन रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ आरबीआई को रुपए की वैल्यू को मेंटेन भी करके रखना होता है, जिसके लिए सबसे बड़ी बाधक होती है महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में आरबीआई एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों महंगाई की बात करें तो ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई पर चलता है। जिस चीज की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जाहिर सी बात है वो चीज महंगी होगी, लेकिन जिस चीज की सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस चीज की रेट मार्केट में कम हो जाएगी। महंगाई को कम करने के लिए आरबीआई भी इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करता है। आरबीआई इसके लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लेता है, यानी कि साफ तौर पर कहा जाए तो अगर मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो लोगों की परचेसिंग पावर भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से 2 रुपए की चीज लोग 4 रुपए में खरीदने को तैयार होंगे। लेकिन अगर मार्केट में पैसे का इनफ्लो कम कर दिया जाए तो लोगों की परचेसिंग पावर भी कम हो जाती है, जिससे लोग कम खरीदते हैं और उससे चीजों की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे महंगाई नियंत्रण में आ जाती है। और इन सब को संभालने के लिए आरबीआई का एक लंबा चौड़ा प्रोसेस अपनाना पड़ता है। मार्केट को एनालाइज करना पड़ता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठकर घंटों सलाह मशवरा करते हैं, तब जाकर ये तय किया जाता है कि मार्केट में कितना पैसा होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। तो दोस्तों आप आरबीआई की वर्क फंक्शनिंग समझ गए होंगे। अब आपका वीडियो के बारे में क्या ख्याल है कमेंट में बता देना। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।